हरियाणा प्रदेश में आशा वर्करों की पिछले कई दिनों से चल रही राज्यव्यापी हड़ताल का आज नौवां दिन भी जारी रहा। सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर देश भर में हजारों आशा वर्करों ने जेल भरो आंदोलन का आह्वान किया था। इसी के चलते फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय पर सैकड़ों आशा वर्कर पहुंची और गिरफ्तारियां दी। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर आशा वर्करों की हड़ताल को नगर पालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेश शास्त्री और सर्व कर्मचारी संघ के हरियाणा के प्रदेश महासचिव सुभाष लामा ने प्रदर्शन में पहुंचकर अपना पूर्ण समर्थन दिया और कहा कि आशा वर्कर बहनों को हकों के लिए वह हर लड़ाई के लिए उनके साथ हैं। जिला प्रधान हेमलता ने बताया कि अपनी मांगों को लेकर 7 तारीख से प्रदेश के हजारों आशा वर्कर हड़ताल पर बैठी। इसके बावजूद सरकार झूठे नोटिफिकेशन जारी करके आशा वर्करों को तोड़ने का काम कर रही है, लेकिन आशा वर्कर एकजुट हैं और सरकार की अफवाहों में आने वाली नहीं है और आशा वर्करों में सरकार के प्रति बेहद ही रोष है। इसी रोष को जतलाने के लिए प्रदेश भर में सभी आशा वर्कर आज जेल भरो आंदोलन कर रही हैं, जिसके चलते फरीदाबाद में भी सैकड़ों आशा वर्कर अपनी गिरफ्तारियां देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा लगता है कि हम उनसे उनकी धन दौलत या जायदाद मांग रहे हैं, बल्कि हम तो उनसे अपना मेहनताना ही मांग रहे हैं, जिसे सरकार ने पहले तो मान लिया था, लेकिन बाद में वह दूसरा नोटिफिकेशन जारी करके उनका वेतन मात्र 4000 रुपये दिखा रहे हैं, लेकिन उसे भी लागू नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि 22 जून को CM सिटी करनाल जाएंगे और CM आवास का घेराव करेंगे और तब तक डटे रहेंगे जब तक वह हमारा नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। उन्होंने बताया कि आज उन्हें नगरपालिका कर्मचारी संघ और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा अपना पूरा समर्थन दे रहा है। अब प्रदेश की आशा वर्कर अकेली नहीं है बल्कि लाखों कर्मचारी उनके साथ खड़े हैं। हड़ताल को सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और नगरपालिका कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने समर्थन देते हुए कहा कि एक तरफ CM और सरकार के मंत्री बड़े बड़े औद्योगिक घरानों को जहाँ पहुँचकर सरकार की उपलब्धियाँ बता रहे हैं, वहीं CM के रोड शो की तर्ज पर रोड शो करेंगे और सरकार की पोल खोलेंगे। सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम 7 तारीख से जो है धरने पे बैठे हुए हैं और गलत गलत अफवाहें फैला के झूठा नोटिफिकेशन जारी करके सरकार हमारी आशाओं को तोड़ने की कोशिश कर रही है। इसके विरोध में हमारी आशाओं में बहुत आक्रोश है, जो कि आज जेल भरो आंदोलन करके अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है।